नमस्ते भाइयों, मेरा नाम है सुमित चौधरी। मैं एक शूटर हूँ जो ताव इलेक्शन का काम करता हूँ। सबसे पहले मैं जो बताने जा रहा हूँ ऊँचाई में काम करने के लिए सेफ्टी, जो हमको पहले सबसे पहले सेफ्टी बेल्ट को सही से चेक करना पड़ेगा। सही से चेक करने के बाद उसको देखना पड़ेगा पॉलिएस्टर रोप बांधा हुआ कि नहीं। यदि बांधा हुआ रहेगा तो पॉलिएस्टर हमको लेके ही चढ़ना पड़ेगा। यदि नहीं है तो हमको पॉलिएस्टर रोप हमको बांधना पड़ेगा, ऊंचाई में जाके सेफ्टी बेल्ट पहन के जाके बांधना पड़ेगा। इसके बाद सही से काम करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। जो ऊंचाई में काम करता हूँ सेफ्टी बारे में बताना चाहता हूँ। जो सेफ्टी बेल्ट दो किस्म का होता है, एक बड़ा हुक वाला, एक छोटा हुक वाला। तो हम लोग का बड़ा हुक वाला यूज़ करते हैं क्योंकि टावर का लेग जो होता है बड़ा वाला होता है, क्योंकि अंदर बड़ा वाला हुक में सही से आ जाता है, छोटा वाला हुक में नहीं आता है सही से। इसलिए हम लोग बड़ा वाला ही सेफ्टी बेल्ट का यूज़ करते हैं। सेफ्टी बेल्ट पहनना हम लोग का क्यों सुरक्षित है, मतलब हम लोग का ऊंचाई में काम करने के लिए सेफ्टी बेल्ट पहन के यदि काम करें सही से, यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो हम लोग वहीं पर अटक के रह जाएंगे। और पॉलिएस्टर पहनने के बाद यदि कोई भी दुर्घटना है वहीं पर हम लोग झटका ना खा के एक ही बार वहीं पर हम लोग अटक जाएंगे। और सेफ्टी बेल्ट पहनने के बाद वो झटका खा के ही गिरना पड़ेगा राउंड होके। टावर को ऊंचाई में काम करने पहले सबसे पहले चारों आस पास का बैरिकेड करना पड़ेगा। बैरिकेड की आज आप बैरिकेड के अंदर कोई आदमी आएगा तो नाट बोल्ट जो भी गिर जाएगा तो उसका चोट भी लग सकता है। तो ऊपर का काम हम लोग करते हैं, मतलब ब्रेसिंग हम लोग उठाते हैं, रस्सी ढाई बांध के उठाते हैं। और